जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, जो प्रथम किस्त प्राप्त कर लिए हैं उनको द्वितीय किस्त के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और उसके लिए कैसे जो है उनको अपने जिला उद्योग केंद्र में जो है अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है। देखिए इसमें द्वितीय किस्त के लिए आपको डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा अपने जिला उद्योग केंद्र में, उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन आ रहा है, वेरिफिकेशन आपका जहां उद्योग लगाए हैं वहां पर आ रहा है, और उसके बाद जो है आपको मशीन के साथ जीपीएस सहित फ़ोटो लिया जा रहा है, यानी जो आपका फ़ोटो वहां क्लिक होगा मशीन के साथ वो जीपीएस ट्रैकर वाला फ़ोटो होगा। तो अगर इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जिला उद्योग केंद्र में जमा करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको भी प्रथम किस्त मिल गया है वो द्वितीय किस्त के लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको लगेंगे ये समझ लीजिए। तो प्रथम किस्त जिनको मिल गया है वो सबसे पहले जो है अपना शेड निर्माण करवाएंगे, अगर शेड उनके पास नहीं है तो शेड निर्माण कराएंगे, अगर शेड आपके पास है तो आप शेड निर्माण ना कराएं। टोटल आपका 4 लाख जो रुपया मिला है उसका जो है आपको मशीन खरीद लेना है, ठीक है, वो भी जीएसटी बिल के सहित, ठीक है, आपको जीएसटी बिल के सहित जो है पूरे 4 लाख का मशीन खरीद लेना है। और अगर आपका शेड नहीं है तो आप 1 से 1.5 लाख के बीच में जो है अपना शेड निर्माण करवा सकते हैं, 1 से 1.5 लाख का शेड निर्माण करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं करवा सकते हैं। बाकी जो आपका 2.5 लाख रुपया बच रहा है उसमें जो है आपका मशीन लेना है, जितना मशीन हो सके उतना ले लीजिए, बाकी जो मशीन आपका बच जाएगा उसके अगले इंस्टॉलमेंट जो आएगा 4 लाख उसमें से आपको लेना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पहले शेड निर्माण करवाना है उसके बाद जो है आपको मशीन लेना है, और अगर आपके पास शेड है तो आपको शेड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, आवेदन पत्र जो आपको मेरे जो ये चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर एप्लीकेशन फॉर्म लिख कर मैसेज कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको केवल अभी जो जमा करना है जिला उद्योग केंद्र में आपको जो जमा करना है डॉक्यूमेंट उसमें जो है आवेदन पत्र जो पीडीएफ में है, उसके बाद जो है जीएसटी बिल मशीन का, ठीक है, और इसी आवेदन पत्र में जो है आपका जीएसटी बिल मशीन जितना खरीदे हैं और आपका शेड का खर्च लिखना है। उसके बाद शेड अगर आपने निर्माण करवाया है तो शेड निर्माण में जो आपका बिल है वो भी देना है। अगर इसमें जीएसटी बिल आपको नहीं मिला है शेड निर्माण में तो आप कच्चा बिल भी जो है इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद जो है बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है, आपने जो पैसा खर्च किया है और आपके बैंक में अभी कितना बैलेंस है वो भी आपको यहाँ दिखाना होगा। तो आपका जो है यहाँ बैंक का स्टेटमेंट दिखाना होगा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि द्वितीय किस्त के लिए जो है दूसरा किस्त के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक आवेदन पत्र जो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप प्रिंट आउट कराकर भर सकते हैं। उसके बाद जो है जीएसटी बिल मशीन का, ठीक है, मशीन का यहाँ जीएसटी बिल आपको लगाना है। और तीसरा है शेड निर्माण, अगर आपने शेड निर्माण कराया है तो कच्चा या पक्का कोई भी रसीद यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद है बैंक का स्टेटमेंट, यानी 4 डॉक्यूमेंट जो है आप अपने जिला उद्योग केंद्र में ले जाकर जो है वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।